हेलो एवरीवन, सो आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हाफ लीटर मिल्क और उसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करते वक्त हमें चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना आए। और 5 मिनट के बाद हम इस दूध में थोड़ा सा विनेगर और वाटर का मिक्सचर ऐड करेंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक ये अच्छे से फट ना जाए दूध। और तो लो, हमारा अभी ये दूध भी फट गया है, तो हम अभी इसे कॉटन के कपड़े में छान लेंगे। और कॉटन के कपड़े में छानने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना है ताकि इसके अंदर का जो खटासपन है वो अच्छे से निकल जाए और हमारे रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी हो। तो इसे अच्छे से पानी से धोने के बाद इसे अच्छे से टाइट करके साइड में रख देंगे हम इसे 10 या 15 मिनट। और उसके बाद हम इसे छाने को अच्छे से हाथों की मदद से मत लेंगे और अच्छे से मतना है। और जब ये चिकना हो जाए उसके बाद अच्छे से डो बना के उसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, करीबन 1/2 टेबल स्पून फ्लोर, और देन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। और अब हम एक पतीले पे 4 कप पानी ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप शुगर, क्योंकि हमें इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी हमें गाढ़ी नहीं बनानी है, सिर्फ इसमें उबाल आने देना है। और उसके बाद हमने जो छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे वो इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसे करीबन 15 से 17 मिनट तक पकने देंगे, लेकिन हर 5 मिनट में हमें इसे खोल कर एक बार चेक कर लेना है। तो अभी ये 15 से 17 मिनट हो भी चुके हैं और हमारे रसगुल्ले अच्छे से बन चुके हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने रखेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।